हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी कि कैटलॉगिंग, कैसे कैटलॉगिंग बनाए, इस समस्या को दूर करने के लिए आपके सामने ये वीडियो लेकर के आई हूँ। आज से 6 महीने पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद किसी कारणवश मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। दोस्तों, इसको कंटिन्यू करने के लिए मैं आपके सामने फिर से कैटलॉगिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ। दोस्तों, सबसे सबसे बड़ी बात हमारे सामने है, कैटलॉगिंग के अंतर्गत हम लोग 2 तरह के कैटलॉगिंग पढ़ते हैं। पहला CCCNAACR2, CCC यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड, AACR2 यानी कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। CCC यह जो है क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड, यह हम डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा सन 1934 ईस्वी में दिया गया था। यह इनका एकल प्रयास था। इसको बनाने वाले थे हमारे लाइब्रेरी साइंस के डॉक्टर एस आर रंगनाथन। एंड AACR2 यह बहुत सारे एसोसिएशन के मदद से तैयार किया गया था, जिसमें ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का महत्वपूर्ण योगदान था। वह अन्य लाइब्रेरी एसोसिएशन भी इसके मदद के साथ, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी ऑफ कनाडा। यह ACR1 का संशोधित रूप था जो 1978 में आया था, यानी कि हमारा CCC कब आया, 1934 में, एंड ACR2 आया 1978 में। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है हमारे UGC नेट के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम इनको भी ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों। अब मैं आपको एक एक करके आगे के वीडियो में बताऊंगी CCC क्या है, ACR2 क्या है, इसके कैटलॉग कार्ड कैसे बनाएंगे। इसलिए मेरे आगे के वीडियो के लिए सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर ले और लाइक बटन पे प्रेस कर दे। थैंक यू।